हेलो दोस्तों, एमआरसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। ये जो आज आप वीडियो देख रहे हैं ये कैरियर का चिलर है, तो ये 30XM मॉडल है इसका, और इसको आज हम वाटर क्लीनिंग करने वाले हैं, सर्विस करने वाले हैं। फुल सर्विस तो नहीं, लेकिन वाटर क्लीनिंग कंडेंसर इसका ज़्यादा गंदा हो गया है, तो इसको कैसे सर्विस करते हैं उसको आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले आपको इसको डिस्प्ले से ऑफ करना होगा, फिर उसके बाद इसका जो भी आपका कंप्रेसर का आइसोलेटर है, दो कंप्रेसर है इसमें, दो स्क्रू कंप्रेसर, वो दोनों को ऑफ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसका मेन ब्रेकर जो है वो भी ऑफ करेंगे। पूरा जितना इलेक्ट्रिकल इसका कनेक्शन रहेगा ना, वो सब हमें डिस्कनेक्ट कर देना होगा। ये देखिए, हम आ गए इसका डिस्प्ले के पास। डिस्प्ले से कैसे इसको ऑफ करते हैं तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए मॉडल नंबर इसका दिया हुआ है, टोटल कैरियर का कितना गैस है, कितना गैस चार्ज किया हुआ है, कौन सा गैस का नाम है। ये हमारा मेन डिस्प्ले है, तो ये डिस्प्ले में आप देख रहे हैं ये ऑन और ऑफ का यहाँ सिंबल दिया हुआ है, इधर में अलार्म का आता है। तो अभी सबसे पहले हम इसको ऑन ऑफ पे क्लिक करेंगे। ऑन ऑफ पे क्लिक करने के बाद देखिए कमांड इसका दिखा रहा है, इक्विपमेंट स्टॉप या नॉट स्टॉप, दोनों चीज ऑप्शन इसमें दिखा रहा है। टिक लगा हुआ है और एक जो है कट किया हुआ है, तो हम इसको ये करेंगे। तो फाइनली इसका कमांड आया था अपना ये ऑफ करने के लिए। आप ऑफ करना चाहते नहीं ऑफ करना चाहते, इसको हमने ऑफ कर दिया। और उसके बाद अभी फिर यहाँ पर देख रहे होंगे आप, लोकल ऑफ दिखा रहा है। देखिए यहाँ लोकल ऑफ दिखा रहा है। अब क्या करेंगे, इसको हम इसको बंद करके इसका मेन पावर जो है टोटल वो डिस्कनेक्ट करेंगे। इस पर आप प्लास्टिक से कवर कर दें कि इसके अंदर पानी ना जाए, इसको प्लास्टिक से फुल कवर कर देंगे। अब उसके बाद आप इधर आ जाइए, इसका ये देखिए दो कंप्रेसर का दो यहाँ पर दिया हुआ है आइसोलेटर, तो ये दोनों को ऑफ करेंगे। ये ऑफ हो गया, फिर ये ऑफ हो गया, ये दोनों हमारा ऑफ हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए मेन है, यहाँ पर मेन ब्रेकर है ये, तो आप चाहे सेफ्टी के लिए तो मेन को भी ऑफ कर दें, ऐसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन कर देंगे तो बेहतर है। मेन खोलेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखिए लगाया हुआ है MCCB, जो देखिए यहाँ पे लगाया हुआ है 400 एम्स का। इसको आप चाहें तो डाउन कर सकते हैं। पहले आप इसको ट्रिप को पोजीशन में कर दें, उसके बाद इसको ऑफ कर दें। ओके, ये ट्रिप हो गया, देखिए साउंड आएगा इस तरह। ये देखिए ये ऑफ हो गया पूरा, यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है ना, ये ऑफ है। जब ऊपर करेंगे तो आप इसका स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, तो फाइनली इसको पूरा ओपन कर लिए। चाहे तो आप ये जो जाली है ना, इस जाली को आप निकाल करके ये काम कर सकते हैं। जाली को आप निकाल लीजिए, समझ गए। इस तरह से देखिए कंडेंसर कितना सारा गंदा हो गया है, तो इसको वाटर क्लीनिंग हम पूरा करेंगे। पे देखिए ये यहाँ पर कंप्रेसर का जो आइसोलेटर वगैरह जो भी था यहाँ पे, उसका पैनल बॉक्स, तो यहाँ पे उसको हम ऑफ कर दिए, प्लास्टिक से पूरा कवरिंग कर दिए कि पानी उसमें नहीं जाए। कभी भी आप सेफ्टी रखें, थोड़ा भी पानी जाएगा तो मुश्किल है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए डिस्प्ले है, डिस्प्ले एरिया में भी हम इसको प्लास्टिक से कवर कर दिए। अब फाइनली देखिए इसको निकालने के लिए ये जो है जाली, इसको आप इस तरह से खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। ओके, इसमें ये टैप किया रहता है। उसके बाद आप अंदर का पोजीशन आप देख रहे हैं, इधर में हम लोग क्लीन करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम लोग जो है वाटर से इसको हम लोग क्लीन करेंगे, और एक एक करके आप आराम आराम से पूरा इसको साफ कर सकते हैं। इस तरह से पूरा प्रोसीजर करने के बाद हम आपको वीडियो को दिखाएंगे, पूरा हम वाटर क्लीन कर लेते हैं अच्छे से।
ये देखिए फाइनली सब सर्विस हो गया। अब इसको चालू करेंगे। हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले अब इसका हम मेन ब्रेकर अब उठाएंगे, ये जो हम गिराए हुए थे। ओके, इसको ऑन कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद कंप्रेसर का जो है हमारा, ये देखिए अब ये कंप्रेसर का हमारा जो दो आइसोलेटर है, ये दोनों को हम ये करेंगे एक एक करके। ये एक कर दिए, फिर अपना ये दूसरा ये करेंगे। ओके, ये दोनों को हम ऑन कर दिए। ठीक है, अब यहाँ डिस्प्ले में लाइट आ जाएगा जैसा आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर ये सर्चिंग मोड में है, थोड़ा धूप के चलते नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, इनिशियलाइजिंग करके लिख रहा है, ये सब दिखाएगा डेटा जो अभी है। थोड़ा टाइम लगता है स्टार्टिंग में, पावर का पूरा डिस्कनेक्ट कर दिए थे, तो अभी वापस से जब इसको ये चालू होना होगा फिर पूरा फंक्शन आएगा डिस्प्ले पे। बाद में उसके बाद हम सेम बटन जो है ऑन ऑफ का, इससे स्टार्ट हम करेंगे। इसके पहले आप अपना जो भी आपका पंप रहेगा, प्राइमरी सेकेंडरी पंप, वो आप उसको चेक कर लेंगे कि दोनों चल रहा है कि नहीं। तो हमने उसको पहले देख लिया है, वो हमारा सही है। अब यहाँ पर देखिए डिस्प्ले शो होने लगा, स्टेटस हमारा ऑफ दिखा रहा है, ये लोकल मोड में ऑफ है। ठीक है, तो इसको वापस हमको स्टार्ट करने के लिए फिर से हम इसको इसी बटन को हम प्रेस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम प्रेस करते हैं। ये देखिए यहाँ से पूछे लोकल ऑन, लोकल शेड्यूल, रिमोट मोड, मास्टर मोड, जो जिसमें आप ऑन करना चाहते हैं। तो हम इसको हम लोकल ऑन करना चाहते हैं, तो लोकल ऑन कर दिए। कमांड एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट कर देंगे हम। अब देखिए लोकल ऑन करके दिखा रहा है स्टार्ट डिले टाइमिंग इसका, तो ये थोड़ा टाइम में हमारा स्टार्ट ले लेगा, जो भी एक दो मिनट का टाइम होगा, दो मिनट का, उसके बाद स्टार्ट होगा। तो यही आज का हमारा वीडियो था कि किस तरह से आप चिलर का सर्विस कर सकते हैं पूरा पावर डिस्कनेक्ट करके। इस तरह का वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को हमारा शेयर कीजिए। और इस तरह से हम और इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो हम आप लोगों को बनाएंगे, जिससे आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। चले फिर आप अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ।